I cannot stress on this. If you are not doing this, you are the biggest fool on earth. The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. एक जमाने पहले लोग डॉक्टर के पास तब ही जाते थे जब वो मर रहे होते थे या बीमार होते थे। ये जमाने पहले लोग उनको एक वैद्य जी को या किसी उनके पास भी तभी जाते थे डॉक्टर के पास जब वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती। लेकिन आज के डेट में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नाम की चीज़ आ चुकी है दुनिया में। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज एक्चुअली मच मोर इम्पॉर्टेंट, मच मोर बिगर देन एक्चुअल हेल्थ केयर, देन क्यूरेटिव हेल्थ केयर। क्योंकि बीमारी को, जुर्म को होने से पहले रोकना ज़रूरी भी है और अच्छा भी है कि नहीं? हादसे से पहले, हादसे को प्रिवेंट करना ज़्यादा बेहतर है, हादसा होने के बाद फिर जो भी पीसेस है उसको बटोरना या वट एवर यू कॉल इट। सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट एजुकेटेड एंड मेक अदर पीपल एजुकेटेड, एम्पावर योर सेल्फ अबाउट हेल्थ प्रिवेंशन। इसीलिए प्री एम्प्टिव मेडिकल एडवाइस बहुत ज़रूरी है, जो कई सारे लोग कर रहे हैं। एक पार्ट है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल का, हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है हेल्थ चेकअप, हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है प्रीएम्प्टिव मेडिकल एडवाइस। सो आप अगर चाहते हैं अपनी बीमारियों का रिस्क कम करना, आगे चल के होने वाली बीमारियों का रिस्क, जो आपके मदर फादर को हैं वो बीमारियों का रिस्क कम करना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, एक डाइट मेंटेन करना, हेल्दी वेट मेंटेन करना, फिजिकल एक्टिविटी का लेवल बढ़ाना, तो आपको मेडिकल हेल्थ चेकअप रेगुलर कराने चाहिए, राइट? डॉक्टर अपने पेशेंट्स को रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए बोलते हैं ताकि वो हेल्दी रहें और अपनी हेल्थ के ऊपर, सो दैट दे स्टे ऑन टॉप ऑफ द हेल्थ। एंड इससे क्या होगा, डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि भाई आपको इन पर्टिकुलर बीमारियों, आपकी पर्टिकुलर रिस्क क्या है, राइट, फॉर योर इंडिविजुअल केस, कि आपके कौन से बीमारियों के रिस्क ज़्यादा है, कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं आगे चल के, दिक्कत क्या होगी अगर ये करोगे, नहीं होगे। सो दैट इज एन एडवाइस विच योर डॉक्टर गिव्स रेगुलरली। So regular health checkup can find potential health issues before they become a problem. A big thing. हाथ से पहले prevention. ये कौन करेगा? Regular health checkup. So जब आप अपने doctor को regularly देखोगे तो आपके doctor regularly detect कर पाएंगे कि ये कोई बीमारी होने के अंदेशा दस्तक आ रही है। Crime patrol दस्तक। वैसे ही यहाँ पर बिना crime patrol medical दस्तक होती है भैया। बीमारी है नहीं है, जाके हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा विल गिव यू द बेस्ट चांस, इट विल गिव यू द बेस्ट चांस फॉर फाइटिंग विद द राइट ट्रीटमेंट अर्ली एंड क्विकली। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा एंड इट विल हेल्प यू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू दिस, बेस्ट चांस फॉर गेटिंग अर्ली ट्रीटमेंट एंड क्विकली अवॉइडिंग कॉम्प्लिकेशंस। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको क्या मिलेगा, ना सिर्फ हेल्थ चेकअप, हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी होता है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी होता है जिसमें आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स, विटामिंस भी दिए जा सकते हैं ताकि आपकी हेल्थ और बेटर हो, हेल्दी लाइफ बेटर हो, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, ताकि आप खतरनाक बीमारियों से, खतरनाक वायरसेस से बचें, राइट? इट्स इंपॉर्टेंट आज के डेट में जहां कोरोना वायरस जैसे वायरसेस फैले हुए हैं, अगर कोई है जो सालों से हेल्थ चेकअप नहीं करा के बैठा है तो सोच के देखो, उसको अगर कोरोना वायरस होगा, हो गया, उसके अंदर मान लो छुपी हुई है डायबिटीज, छुपी हुई है कोई किडनी में सूजन है, लिवर खराब पड़ा हुआ है और वो कोरोना वायरस अंदर आ गया, उसने तो ऐसी तैसी कर देनी। कोरोना छोड़ो, पहले जमाने में इबोला था, कोई इवन डेंगू फीवर, इवन फ्लू वायरसेस कैन एक्चुअली लीड टू निमोनिया, सिवियर निमोनिया, जान जा सकती है। छोटी मोटी बीमारियों से लोग जान खो बैठते हैं क्योंकि वो हेल्थ चेकअप नहीं कराते। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप के बेनिफिट है और आज तो बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में ऐसे सिचुएशन में जबकि ऐसे वायरल इन्फेक्शंस फैले हुए हैं या बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बीमारियां म्यूटेट होती जा रही हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, सो आपको भी हेल्थ चेकअप करना पड़ेगा। भैया बताओ मेरे को एक बात, कौन सी गाड़ी चलाते हो, गाड़ी कौन सी चलाते हो आप,
और गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी खराब होने के बाद ही उसको ठीक कराने देते हो, बताओ? नहीं ना, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर साल उसकी सर्विसिंग करवाते हो कि नहीं करवाते हो? सर्विसिंग करवाते हो, चेकअप करवाते हो, पता चलता है ना, वो कहता है ये खराब होने लगा है, आपका आपका ब्रेक, आपका डिस्क पैड खराब होने लगा है। भाई डिस्क पैड टूट क्यों नहीं जाने देते? एक बार एक्सीडेंट हो जाने दो, एक्सीडेंट होने के बाद ही ठीक कराना, नहीं करते ना ऐसा। तो शरीर के साथ ऐसा क्यों, शरीर के साथ ऐसा क्यों कि जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा, जब तक ब्रेक पैड टूटेगा नहीं, तब तक बदलूंगा नहीं, राइट? जब तक गाड़ी बंद नहीं हो जाएगी, जब तक रोड पे खड़े होके यार मैं क्या करूं अब वैसी सिचुएशन में नहीं फंसूंगा, तब तक चेकअप नहीं करवाऊंगा। ऐसा इंसान अपने शरीर के साथ करता है, गाड़ी के साथ नहीं। गाड़ी कितने की है फिर सोचो, आपकी लाइफ में आपकी कीमत क्या है, व्हाट इज योर वर्थ टू योर सेल्फ, आपकी फैमिली के लिए आपकी वर्थ क्या है, क्यों हेल्थ चेकअप इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर अपने आप से सोचो। अपनी गाड़ी के ऊपर सालाना कितना खर्चा करते हो, अपने ऊपर कितना करते हो सालाना खर्चा, थिंक अबाउट इट। लाइफस्टाइल कैसी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, पेट निकला जा रहा है, दिक्कतें होंगी होंगी, बीमारी होंगी होंगी। जब तक बीमारी Grade 1, Grade 2 लिवर फंक्शन खराब होते जाएगा, दारू पी रहे हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लिवर डिजीज आ रही है, जब तक लिवर 80% खराब नहीं हो जाता, जब तक लिवर 80% खराब नहीं हो जाता, चाहे दारू पीने से हो, चाहे मोटापे से हो, चाहे इन्फेक्शन से हो, किसी भी बीमारी से, लिवर परमानेंटली आपको एंजाइम्स में, LFT में खराबी नहीं दिखाएगा, जरूरी अल्ट्रासाउंड में इंडिकेशन देगा, सिम्टम वाइज इंडिकेशन देगा, कभी कभी टेम्परेली हेपेटाइटिस में उसके लिवर फंक्शन बढ़ेंगे फिर कम हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि अंदर मेरा 25% हिस्सा खराब हो गया है। हेल्थ चेकअप कराते रहोगे रेगुलर तो उसका इंडिकेशन मिलेगा, भाई यार ये पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा, कुछ तो कर रहे हो तुम, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। किडनी का भी ऐसा है, एक किडनी खराब होगी तो पता भी नहीं चलेगा कि दूसरी काम कर रही है, पेशाब वहां से आता रहेगा, जी हाँ, पथरी होती है पता ही नहीं चलता लोगों को, जब तक पथरी फंसती नहीं है किडनी में सूजन नहीं आ जाती और दर्द होना शुरू नहीं होता, कोई चेकअप ही नहीं कराते। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग रेगुलर हेल्थ चेकअप, रेगुलर हेल्थ चेकअप विल रिड्यूस योर रिस्क ऑफ गेटिंग सिक, इट विल डिटेक्ट पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, इवन डिजीजेस विच आर डेडली, राइट, विल एक्चुअली यू नो गेट द कॉम्प्लिकेशंस विल गेट मिनिमाइज इफ यू डिटेक्ट देम अर्ली। बीमार, बड़ी से बड़ी बीमारी पहले, कैंसर जैसी बीमारियां पहले डायग्नोस हो सकती हैं, कैंसर के रिस्क फैक्टर देखे जा सकते हैं, मेमोग्राफी की जा सकती है, पैप स्मियर किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, गांठ की जांच की जा सकती है, गांठ दिख सकती है अल्ट्रासाउंड में, पर करोगे तो पता चलेगा ना। मैकेनिक के पास जाके दोगे गाड़ी तो चेकअप होगा ना, अच्छा गाड़ी में आपके ये प्रॉब्लम है, अच्छा मेरे को तो था ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं था, मैं नहीं कराऊंगा, फिर फंस के फिर कराना पड़ता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ ट्रीटमेंट, इंक्रीज योर चांसेस ऑफ क्योर फ्रॉम दिस वायरस और एनी वायरस, कोरोना वायरस और कोई भी, यू नीड अ हेल्थ चेकअप। अगर एक साल के अंदर आपने हेल्थ चेकअप नहीं कराया तो आज कराओ, और जिसने नहीं कराया उसको ये वीडियो भेजो, उसको बोलो भाई साहब मैं पैसे देता हूं इफ यू केयर फॉर देम, मैं नहीं दे रहा आप दोगे, जस्ट किडिंग। अगर आप केयर करते हो किसी की तो उसको बोलो भाई हेल्थ चेकअप कराओ, पैसे की चिंता मत करो, मिनिमम वाला कराओ, डॉक्टर से जाके तो मिलो, अच्छे डॉक्टर से, लुटेरे डॉक्टर भी बैठे हैं दुनिया भर में, याद रखिएगा। सो अगर आप हेल्थ चेकअप कराओगे तो लिटरली आपका हेल्थ केयर कॉस्ट भी कम होगा, क्योंकि वो बीमारी जिसमें लाखों रुपए खर्चे होने वाले थे एडमिट होने के बाद ऑपरेशन फॉपरेशन के लिए या ICU के खर्चे से बचोगे आज हेल्थ चेकअप करवा के, हेल्थ केयर कॉस्ट क्यों, एक हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी आपका हर साल हेल्थ चेकअप करवाती है, उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है कि वो मेजर खर्चा बचेगा अगर हम पहले पकड़ लेंगे छोटी छोटी बीमारियों को। सो हेल्थ केयर कॉस्ट ओवर टाइम कम होगा बाय अवॉइडिंग दीज कॉस्टली मेडिकल सर्विसेज, अगर आप उसको प्रिवेंट करोगे। सो एक गुड पार्टनरशिप डेवलप करो अपने डॉक्टर के साथ, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री समझेगा, फैमिली डॉक्टर बनाओ अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, सबकी हेल्थ लेके चलो, भैया इट्स इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस, इफ यू आर नॉट डूइंग दिस यू आर द बिगेस्ट फूल ऑन अर्थ। और सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिकल इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी, फलाना ढमकाना लोगों के नुस्खे देखना शुरू करो, मैं लिखित में देता हूं, वो लिखित में खराब हो जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, शरीर खराब होगा तो।
सॉरी टू से एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू गिव मेडिकल एडवाइस हेल्थ एडवाइस विदाउट एनी क्रेडेंशियल्स विदाउट एनी इंफॉर्मेशन विदाउट एनी नॉलेज अपने नुस्खे बना बना के लोगों को बांट रहे हैं एंड यू आर बिकमिंग अ गिनी पिग अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. थिंक अबाउट इट. यही एक्सपेरिमेंट अपने छोटे बच्चे पे करोगे. अभी बच्चा पैदा हुआ है कोई बोलता है उसको ये करके वो करके ऐसे करके खिला दो. करोगे एजुकेटेड हो तो खुद पे एक्सपेरिमेंट करोगे दूसरों पे नहीं करोगे अपने छोटे बच्चे पे नहीं करोगे. पर खुद की कोई वैल्यू नहीं है. कार की वैल्यू है. सो डू दैट. प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग इज इंपॉर्टेंट. उसमें क्या क्या चेक कराना है. आपकी एनुअल फैमिली हिस्ट्री चेक होती है. ब्लड प्रेशर चेक होता है. बीएमआई चेक होता है. बॉडी मास इंडेक्स चेक होता है. फिजिकल एग्जामिनेशन होता है. प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग होती है. काउंसलिंग होती है. अगर आपको कैंसर की स्क्रीनिंग करनी है स्किन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर सर्विकल कैंसर टेस्टिकुलर कैंसर होती है. आई साइट चेक होती है. हीरिंग चेक होती है. इंजेक्शंस लगते हैं वैक्सीन्स लगते हैं टिटेनस के इन्फ्लुएंजा के न्यूमोकोकस के एमएमआर के मेनिंजोकोकस वेरिकोसी वेरिसेला के शिंगल्स के वैक्सीन लगते हैं. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी के हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी डिप्थीरिया इन सब के वैक्सीन लगने चाहिए आपको बचपन से अब तक आगे बड़ों के बड़ों को भी लगते हैं. सोचो डॉक्टर से जाके पूछो सर मेरे को कोई वैक्सीन लगना चाहिए. टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ एंड शेड्यूल एन हेल्थ अपॉइंटमेंट विथ योर फैमिली फिजिशियन. अगर आपका कोई भरोसेमंद डॉक्टर नहीं है अगर आपका कोई भरोसेमंद डॉक्टर नहीं है ना तो ये लिटरली आपसे ज्यादा गरीब आदमी कोई नहीं है. आपसे ज्यादा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है कि आपके पास एक भरोसेमंद डॉक्टर नहीं है. इस खराब होती दुनिया में हवा खराब पानी खराब सब्जी खराब हर चीज में पोल्यूशन हर चीज में इंसेक्टिसाइड हर चीज में खराब चीजें और आपके पास कोई भरोसेमंद डॉक्टर ही नहीं है. सोचो इन बातों में सोचो. अगर लगता है इसमें कुछ दम तो जाओ शेयर करो वीडियो उस इंसान को जिसकी आप केयर करते हो. मैं हूं डॉक्टर परमजीत. आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी.